गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की जो कि हमारा है राज्यसभा। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संसद। संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। हमने अभी तक कौन सा जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों को मिलाकर के उनके जो जनता के जो प्रतिनिधि वहां पे पहुंचते हैं, उन राज्यों के जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी जो सभा होती है उसे क्या कहा जाता है, राज्यसभा। राज्यसभा को हमारे संविधान में अलग अलग नामों से जाना गया है। अलग अलग नाम से कैसे, राज्यसभा को बड़ों का सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। बड़ों का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को विशेष लोगों का, विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारी राज्यसभा के अलग अलग नाम है। दो आर्टिकल है जो कि हमारे संसद के बारे में बताते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 79 बात करता है राष्ट्रपति के अलावा संसद के दो सदन होंगे, इनको मिलाकर के हमारी संसद बनेगी। हमारी जो संसद है जिसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है, संसद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। जापान की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, उसे डेट कहा जाता है। अमेरिका की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, है ना। ब्रिटेन की जो संसद है उसे भी क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। अलग अलग देश की संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है। तो अलग अलग देश में संसद के अलग अलग नाम है। भारत में भी ये क्या है, संसद है। और हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के अलग अलग नाम मैंने आपको बताया। राज्यसभा को बड़ों का सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा को अंग्रेजी में राज्यसभा ही कहा जाता है, या इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो दो आर्टिकल, दो अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 79 ये कहता है राष्ट्रपति के अलावा संसद के दो सदन होंगे जिनका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे पहला सदन जिसका आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 ये कहता है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में। आर्टिकल 80 किसके बारे में बताता है, राज्यसभा की संरचना के बारे में। और आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा के बारे में। ये तीनों आर्टिकल नंबर वाइज याद रखें। आर्टिकल 79 भारतीय संसद के बारे में बताता है, आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, और आर्टिकल जो 81 है वो किसके बारे में बताता है, लोकसभा के बारे में बताता है। आज हम बात करेंगे किसकी, राज्यसभा की। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा किससे मिलकर के बनती है। वर्तमान में आपको बता होगा हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। राज्य जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं वो उन राज्यों की क्या करते हैं, उनके राज्यों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कहां पे, संसद में। तो राज्य जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं कौन सी रीति के द्वारा, अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा, मतलब राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जिनका चयन किया जाता है, जिन लोगों का चयन किया जाता है वो लोग राज्यसभा में अपने अलग अलग सदस्यों को भेजते हैं। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की अलग अलग सीटें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो देखो आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। अधिकतम सदस्य संख्या आपको पूछी जाए आप कितनी बताओगे, 250। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 250। मतलब आपकी क्लास में 250 चेयर है लेकिन उस क्लास के अंदर कितने विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है, 245। तो इन दोनों चीजों को याद रखेंगे, राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, 250 है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। अधिकतम 250, वर्तमान में बैठ कितने से बैठे दिख रहे हैं, 245 बैठे। अब 250 का हम वर्गीकरण देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव दो प्रकार से किया जाता है। एक तो सदस्य होते हैं निर्वाचित, एक सदस्य होते हैं मनोनीत।
मनोनीत की बात करते हैं, मनोनीत का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, निर्वाचित और मनोनीत में क्या फर्क होता है। मनोनीत का मतलब हुआ मन में जची उसे राष्ट्रपति ने बना दिया, ना कुछ चुनाव होगा ना कोई और कोई बात होगी, सीधा राष्ट्रपति ने उन लोगों को बोलेगा आप राज्यसभा में चले जाओ, उसको बोला जाता है मनोनीत होना। और निर्वाचित का मतलब क्या होता है, निर्वाचित का मतलब ये होता है जहां पे हम मतदान की प्रक्रिया के द्वारा जिन व्यक्तियों को चुनते हैं उन्हें हम बोलते हैं निर्वाचित होना। तो चुनाव, तो राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। मनोनीत कितने होते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12 और राज्यसभा में निर्वाचित कितने होते हैं 238। मनोनीत कितने होते हैं 12 ऐसे सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं जिन्हें कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, कला का साहित्य का विज्ञान का और समाज सेवा का विशेष अनुभव होता है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी कहां पर भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपकी बात कही थी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें कला का साहित्य का विज्ञान का और समाज सेवा का, इन चार क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है, उनका चुनाव नहीं होता। जबकि 238 जो सदस्य हैं वो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी, 250। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 245 है। अब 245 का विभाजन किस प्रकार है वो बताते हैं। तो 245 में तो सबसे पहले 12 जिनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जिन्हें कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा का क्या होता है, विशेष अनुभव होता है। तो 12 हो गए मनोनीत, बचे कितने, पीछे बचे अपने पास 233। 233 का क्या होता है, निर्वाचित, यानी कि उनका क्या होता है, चुनाव होता है। तो 233 का भी वर्गीकरण करते हैं, वर्तमान में आपको बताया हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे क्या है, विधानसभा है, जहां पे क्या है, विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जहां पे क्या है, विधानसभा है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा है। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो है दिल्ली, एक है पुडुचेरी। दिल्ली में आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन, अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, तो मुख्यमंत्री इसका मतलब वहां पे क्या, विधानसभा है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे क्या है, जहां पे विधानसभा है और वहां पर दिल्ली से भी 2 और पुदुचेरी से भी 2, टोटल 4 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, और बाकी कितने बचे, पीछे 229 बचे। 229 सदस्यों को विभिन्न राज्यों से चुना जाता है, 229 सदस्यों को विभिन्न राज्यों से चुना जाता है। अब राज्यों की बात करें तो प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें क्या है, अलग अलग है। अब किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये अनुच्छेद अनुसूची मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब अनुसूची में बताया था कि संविधान की अनुसूची 4, संविधान की अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुसूची 4 किससे संबंधित है, सीटों का आवंटन, किसकी सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्य सभा की सीटों का आवंटन। संविधान की कौन सी अनुसूची बताती है हमें, संविधान की 4th अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताती है, किस राज्य में कितनी सीटें हैं इसके बारे में संविधान की कौन सी अनुसूची बताती है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 4th अनुसूची के अंदर है। ठीक है, अब प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 31 है, राजस्थान के अंदर 10 है, दिल्ली के अंदर 2 है, पुदुचेरी के अंदर 2 है। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें अलग अलग होती है, अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें अलग अलग होती है। इस अलग अलग होने का कारण है कि हमने राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया है, जनसंख्या के आधार पर किया है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसे राज्यसभा की सीटें ज्यादा दी गई है, जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां पे राज्यसभा की सीटें कम है। जैसे वर्तमान में हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी है। तो वहां पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, सबसे ज्यादा 31 है। तो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का जो आधार है वो आधार क्या है, उस राज्य की जनसंख्या है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे राज्यसभा की सीटें भी क्या है, ज्यादा है। चूंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है तो वहां पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है। और राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। दिल्ली में कितनी है, 2। तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा
किया गया है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। कौन सी अनुसूची में बंटवारा किया गया है? चौथी अनुसूची में बंटवारा किया गया है। तो राज्यसभा की सीटें अलग अलग राज्यों में क्या होती है? अलग अलग होती है। अब जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? दो प्रकार से हम जनता के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एक तो राज्य के लिए चुनते हैं और एक केंद्र के लिए चुनते हैं। राज्यों की बात करें तो हम प्रत्येक जो हमारी राजस्थान की जो तहसील है, लगभग एक तहसील में एक एमएलए होता है, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। जैसे आपको पता है हमारे रतनगढ़ के एमएलए कौन है? अविनेश महर्षि। तो एक होता है एमएलए। ये एमएलए कहां पे बैठते हैं? ये एमएलए बैठते हैं विधानसभा में, विधानसभा में ये एमएलए बैठते हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने एमएलए बैठते हैं? राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 एमएलए बैठते हैं। कितने एमएलए बैठते हैं? 200 एमएलए। राजस्थान विधानसभा में कितने एमएलए बैठते हैं? 200। या राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो एक तो हम चुनते हैं एमएलए, रतनगढ़ से एमएलए कौन है? अविनेश महर्षि। आप समझ गए होंगे बात को। तो एक तो जनता चुनती है अविनेश महर्षि जी को, आपने वोट दिया था, वो रतनगढ़ के क्या बने हैं? एमएलए बने, ठीक है। तो एमएलए बने वो जाके वहां पे कहां पे बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं और वहां पे बैठ के क्या बनाते हैं? राजस्थान के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। एक तो की विधानसभा, एक होती है हमारी पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं संसद। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। 10 सीटें टोटल एमएलए कितने हैं? 200। तो देखो 200 एमएलए हैं, 10 सीटें हैं, तो मतलब एक जो एमएलए है, एक एमएलए पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। कुल मिलाकर हम इस प्रकार इस चीज को देख सकते हैं कि 20 एमएलए एक राज्यसभा सदस्य को क्या करते हैं? चुनाव, राज्यसभा सदस्य को चुनाव में भेजते हैं। इसकी एक अलग भी प्रक्रिया होती है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 3, 3 और 4 भेजते हैं, वो अलग बात है। आपको एक बार समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समझाया है कि राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। इन 10 लोगों को कौन चुनते हैं? इन 10 लोगों को हमारे राजस्थान की विधानसभा में जो 200 एमएलए बैठते हैं, वो 200 एमएलए 10 राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। 10 राज्यसभा सांसदों को कौन चुनते हैं? 200 एमएलए। यानी कि राज्यसभा को जो, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा का क्या होता है? जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है। कौन सी रीति के द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जनता कभी भी राज्यसभा के चुनाव में सीधे वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। डायरेक्ट जनता वोट नहीं डालती है, इसलिए राज्यसभा के जो चुनाव वो कैसे है? अप्रत्यक्ष है, ठीक है। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमएलए को किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो दोस्तों जो हमारे एमएलए है वो किन को चुनते हैं? 10 राज्यसभा सांसदों को चुनते हैं। ये तो हो गए हमारे राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में 245, 12 मनोनीत, 233 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब 233 में से भी 229 क्या है? राज्यों से, और 4 कहां से है? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों में भी 2 दिल्ली और पुदुचेरी। टोटल सदस्य कितने? 2, 2, और टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे वहां पर? 4 हो जाएंगे। तो ये बात हमने की राज्यसभा की संरचना की। अब हम बात करते हैं राज्यसभा का चुनाव कौन कौन लड़ सकते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव की अगर बात करें, राज्यसभा के चुनाव की अगर अपन बात करें, तो राज्यसभा का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है। तो देखो चुनाव में बात है, राज्यसभा का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी आयु कितनी है? जिसकी आयु है 30 वर्ष। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। पात्र या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर न हो। कौन से पद पर न हो? लाभ के पद पर न हो। और चौथी बात कौन सी आती है? संसद द्वारा निर्धारित योग्यता। संसद जो भी योग्यता निर्धारित करती है वो आपको, आपके पास होनी चाहिए। तो राज्यसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जो 4-5 योग्यताओं को पूरी करता है। राज्यसभा चुनाव लड़ने की 5 योग्यताएं कौन सी? पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। पाकिस्तान के व्यक्ति को हम राज्यसभा सदस्य नहीं बनाएंगे, पहली बात। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली या पागल नहीं होना चाहिए। अभी बात हो राज्यसभा में पागलों का या दिवाली का क्या काम है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तीसरी बात, उसकी आयु, न्यूनतम आयु राज्यसभा में कितनी है? 30 वर्ष है। और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है चुनाव लड़ने की? 25 वर्ष है। मैंने अभी बताया आपको, राज्यसभा को बड़ों का सदन कहा जाता है। बड़ों का सदन मतलब जहां की उम्र कितनी है? 30 की है, बड़ी है ना। तो ये याद रखेंगे, राज्यसभा की
चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष के होने के बाद आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चौथी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब ये दोस्तों, यहाँ पर उसे किसी अन्य 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 मतलब साधनों से उसकी आय नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल का पद, सांसदों का पद है ना, एक MLA का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद का मतलब मोटा मोटी इतनी सी बात हो गई कि उसमें पैसे की कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और लास्ट बात है, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता, संसद और कोई अगर योग्यता निर्धारित करती है तो वो योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन 5 योग्यताओं को पूरी करता है वो राज्यसभा का त्याग कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव की मैंने आपको प्रक्रिया पूरी बता दी। राज्यों में जो विधानसभा है, उन विधानसभा में जो जनता के द्वारा जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि है, यानी कि जो MLA है, वो राज्यसभा सदस्य का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अब हम राज्यसभा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। अब राज्यसभा सदस्यों में, अब राज्यसभा के दो प्रकार के सदस्य होते हैं, दो प्रकार के राज्यसभा को चलाने वाले अध्यक्ष होते हैं। दो प्रकार के अध्यक्ष कौन से होते हैं राज्यसभा को चलाने वाले? एक तो राज्यसभा में होता है सभापति, एक तो राज्यसभा में होता है सभापति, एक होता है राज्यसभा में उपसभापति। उपसभापति, अब देखो मैंने अभी बताया आपको राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब जैसे मान लो ये हमारी राज्यसभा है और इस राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? 245 है। अब इन 245 सदस्य जो ये यहाँ पे आके बैठे हैं, तो इनको, इनकी कार्रवाई को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास को चलाने के लिए आपके टीचर होते हैं। अगर टीचर नहीं आते हैं तो आपका क्लास मॉनिटर आता है। तो वही बात है कि राज्यसभा को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है, जिस उस व्यक्ति का जो पदनाम है, उस पदनाम क्या है? उसका सभापति है। राज्यसभा को जो चलाते हैं उस व्यक्ति का पदनाम क्या है? सभापति है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अमेरिका की तरह ही भारत में भारत में जो सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमेशा हमारे देश का उपराष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू वर्तमान में हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारे देश का उपराष्ट्रपति। मतलब अगर आपको राज्यसभा का सभापति बनना है तो आपको देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा और आपको चुनाव जीतना होगा। जीतने के बाद आप क्या बन जाओगे? सभापति बन जाओगे। उपराष्ट्रपति का वैसे हमारे देश में कोई भी काम नहीं है, उपराष्ट्रपति पद का वैसे हमारे देश में कोई काम नहीं है, है ना। तो इसलिए उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन हमारे देश में दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं होता। वो तो केवल इंतजार करता है। किस बात का इंतजार करता है? अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति जी कार्य करने में सक्षम हो, तो उपराष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो कभी भी राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो ये बात, तो उपराष्ट्रपति का काम क्या है? जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में सक्षम हो तो देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या करे? कार्य करे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभा, जो वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं, ठीक है। अब आप देश के उपराष्ट्रपति बनते ही आप राज्यसभा के क्या बन जाओगे? सभापति बन जाओगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सदन होता है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो देश के उपराष्ट्रपति के नाते राज्यसभा का क्या बनता है? सभापति। तो उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा में क्या करता है? कार्य करता है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति कार्य करने में असक्षम है, या मान लो छुट्टी पर है, तो अगर उपराष्ट्रपति कार्य करने में असक्षम है तो उनकी जगह कार्य कौन करेगा? उपसभापति। आज मान लो आज राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का कोई काम आ गया, वो नहीं आ पाए, तो अगर वो अब्सेंट है तो उनकी अब्सेंस में कार्य कौन करेगा? उपसभापति कार्य करेगा। लेकिन जो ये उपसभापति होता है, वो राज्यसभा, ये 245 जो सदस्य है ना, उनमें से कोई एक राज्यसभा का क्या होगा? उपसभापति होगा। इन 245 में से
उन इन 245 में से कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का क्या होगा, उपसभापति होगा, जबकि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। मतलब ये जो सभापति है इन 245 में से कोई एक नहीं होगा, ये देश का क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ये कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और दूसरा आता है सभापति, जब उपसभापति, जब सभापति अपना कार्य करने में असक्षम हो तो उपसभापति क्या करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। उपसभापति जो होता है वो इन 245 में से क्या होता है, कोई एक होता है। उपसभापति इन 245 सदस्यों में से कोई एक होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सभापति के रूप में कार्य की, कि सभापति क्या क्या कार्य करता है। सभापति, पहली बात तो जो सभापति होता है वो हमेशा कभी भी मतदान नहीं करता है, कभी भी मतदान नहीं करता है। सभापति कभी भी मतदान नहीं करता है, वो मतदान तभी करता है जब सदन बराबर बराबर मतों में विभाजित हो जाता है और वो केवल निर्णायक मत देता है। कैसा मत देता है, निर्णायक। निर्णायक का मतलब है अगर मान लो हमारी राज्यसभा में कोई बिल लेकर के आया कि आज के बाद में बिना हेलमेट लगाए कोई बाइक पर जाएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो इससे इसके ऊपर राज्यसभा में वोटिंग हुई और मान लो उस दिन 200 सदस्य राज्यसभा में आए तो 100 लोगों ने कह दिया बिल्कुल होना चाहिए और 100 लोगों ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए। अब देखो सदन बराबर बराबर भागों में विभाजित हो गया तो जो उपराष्ट्रपति अपना मतदान देगा वो मत देगा वो कैसा होगा, वो निर्णायक मत होगा। या तो वो इधर अपना मत दे देगा या फिर वो इधर अपना मत दे देगा। अगर वो यस कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, अगर वो नो कर देगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो जो सभापति होता है वो अपना वो कैसा मत देता है, वो निर्णायक मत देता है। वो कभी भी पहले मतदान नहीं करता, वो कभी मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। जब सदन बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाता है, जब सदन बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाता है, जब सदन बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाता है तब सभापति अपना क्या देता है, निर्णायक मत देता है। तो ये राज्यसभा के दो पदाधिकारी हो गए, एक तो सभापति हो गया और दूसरा उपसभापति हो गया। उपसभापति अपना इस्तीफा हमेशा किसको देंगे, सभापति को देंगे। उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, सभापति को देते हैं। और जो सभापति है, यहाँ पे चीज को समझना, सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देंगे। सभापति चूंकि हमारे देश के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को या सभापति को देगा। लेकिन जो सभापति है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, हमेशा राष्ट्रपति को देंगे। मतलब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे, सभापति को। और सभापति अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को। यहाँ पे उपसभापति नहीं करना है, सभापति अपना इस्तीफा हमेशा किसको देंगे, सभापति हमेशा अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को। इसके बाद राज्यसभा के पास तीन विशेष पावर है। राज्यसभा की हम पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा के पास तीन विशेष शक्तियां हैं, उन विशेष शक्तियों को पढ़ते हैं। पहली विशेष शक्ति कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो संकल्प है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो संकल्प है वो हमेशा सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा, राज्यसभा में। मैंने आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है, है ना। लेकिन यहाँ पे जब सभापति को हटाने की बात है, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात आती है, वो सबसे पहले कहाँ पे लाया जाएगा, वो सबसे पहले लाया जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले व्यक्ति, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले व्यक्ति अगर बहुमत से ये कहते हैं कि हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है तो फिर राज्यसभा से वो पास होकर के कहां पे जाता है, लोकसभा में जाता है। और लोकसभा द्वारा उसका क्या किया जाना चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए। अगर लोकसभा उसका समर्थन कर देती है तो सभापति या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है या सभापति को उनके पद से हटाना है तो वो संकल्प केवल और केवल कहां पे लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा उसे उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से क्या करेगी, उसको पास करेगी। पास करने के बाद वो कहां पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा उसका क्या करेगी, समर्थन करेगी। समर्थन का मतलब है लोकसभा में वहां पे वोटिंग नहीं होगी, वहां पे केवल ध्वनि मत से उसको पारित करवा लिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कार्य किसके पास है, किस कार्य किसके पास है, केवल राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा की विशेष शक्ति होगी कि उपराष्ट्रपति को पद से सिर्फ कौन हटा सकती है, राज्यसभा। दूसरी,
राज्यसभा की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। वर्तमान में हमारे देश में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक तो है आईएएस, एक है आईपीएस, एक है आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके अलावा इन तीन के अलावा अगर वो चौथी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, अगर चौथी को अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, राज्यसभा ही कर सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा स्पेशल पावर हो गया कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो वो कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। तीसरी विशेष शक्ति राज्यसभा की बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था संविधान की सातवीं अनुसूची के अंदर विभिन्न प्रकार की सूचियों का वर्णन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय को अगर समवर्ती सूची में लाना है, राज्य सूची के विषय को अगर समवर्ती सूची में लाना है तो वो विशेष रूप से कहां पे लाया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। मतलब राज्य सूची के विषय को किस में लेकर के आना है, समवर्ती सूची में लेकर के आना है तो विषय सबसे पहले कहां पे लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। तो ये तीन स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास। पहला, राज्य देश के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प हमेशा राज्यसभा में लाया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। और अगर राज्य सूची का कोई विषय उसे हम समवर्ती सूची में लाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ कौन ला सकती है, राज्यसभा ला सकती है। ये अभी हमने बात करी राज्यसभा के गठन की, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, उसके बाद में हमने बात की राज्यसभा के पावर्स की। अब हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा के अवधि की बात करते हैं राज्यसभा सदस्य की अवधि की। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा हमारे देश में एकमात्र ऐसा सदन है, हमारे देश के दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा हमारे देश का एकमात्र ऐसा सदन है जो कि स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है, जो कि निरंतर चलने वाला सदन है। कैसा सदन है, निरंतर स्थायी सदन है, मतलब इसका कभी भी विघटन नहीं होता, ये निरंतर चलने वाला सदन है, स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। मतलब एक कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बनता है तो वो कितने समय तक अपने पद को धारण किए हुए रहेगा, 6 वर्ष तक अपने पद को धारण किए हुए रहेगा। जबकि लोकसभा में कोई सांसद बनता है तो कितने समय तक, 5 वर्ष तक, और राज्यसभा में कोई सांसद बनता है तो कितने वर्ष तक अपने पद को धारण किए हुए रहेगा, 6 वर्ष तक। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, ये निरंतर चलने वाला सदन है। निरंतर चलने वाला सदन इसलिए है क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, इसके एक तिहाई सदस्य पद से क्या हो जाते हैं, पद से रिटायर हो जाते हैं। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, कितने सदस्य, एक तिहाई का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूं हमेशा, मान लीजिए कोई रोटी है, इस रोटी के हम 3 भाग करते हैं, 1 भाग 2 भाग 1 2 3, टोटल कितने भाग हो गए, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और 3 भाग हो गए। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3, मतलब ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/3। तो पहले वर्ष कितने सदस्य रिटायर हुए, 2 वर्ष, पहले एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष में रिटायर हुए, 2 वर्षों में, दूसरे एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, और तीसरे सदस्य कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो टोटल कितना हो गया कार्यकाल, 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा से उनको छोड़ करके जाना होता है और नए सदस्यों का क्या होता है, राज्यसभा में चुनाव होता है। तो ये राज्यसभा एक स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं होता, जिस प्रकार की लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले लोकसभा विघटित होती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्यों का क्या आता है, चुनाव आता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है। तो हमने राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में पढ़ लिया, हमने राज्यसभा की अवधि के बारे में पढ़ लिया, हमने राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम गणपूर्ति कोरम की। गणपूर्ति कोरम क्या होता है, गणपूर्ति कोरम का मतलब यह है दोस्तों के
इतने से कम अगर व्यक्ति आएंगे तो हम सदन की कार्यवाही को संचालित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये, मान लो हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट है, अगर मान लो किसी दिन 2 ही स्टूडेंट आते हैं तो हम उस दिन क्लास में पढ़ाई नहीं करवाते। यही हमारे राज्यसभा और लोकसभा में होता है। राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम का मतलब यह है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। गणपूर्ति कोरम होता है सदस्य संख्या का 1/10। गणपूर्ति कोरम कितना होता है, 1/10। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, गणपूर्ति कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। तो 245 का हम 1/10 निकालते हैं तो 245 का 1/10 होता है 24.5, यानी के 25 सदस्य। यानी के अगर राज्यसभा में किसी दिन जब हमारे संसद का सत्र चल रहा हो, कितने सत्र होते हैं संसद के, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जिस दिन कभी भी राज्यसभा में 25 से कम अगर सदस्य आते हैं उस दिन राज्यसभा की कार्रवाई को नहीं चलाया जा सकता। यानी कि गणपूर्ति कोरम कितना है, 1/10 है। 1/10 अगर गणपूर्ति कोरम है, इसका मतलब कितना हुआ, 25 से कम सदस्य जिस दिन राज्यसभा में आते हैं उस दिन राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम कितना है, 1/10। अगर सदस्यों की बात करें तो 25 सदस्य गणपूर्ति कोरम है। 25 से ज्यादा सदस्य होंगे तभी राज्यसभा की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा में भाषा की बात करते हैं तो हमारे देश में 2 ही भाषाएं हैं जिनको संसद ने मान्यता दे रखी है, हिंदी और अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में अपनी बात को रखना चाहता है वो या तो हिंदी में रख सकता है या अंग्रेजी में रख सकता है। सभापति की अनुमति के द्वारा, किसकी अनुमति के द्वारा, सभापति की अनुमति के द्वारा, या जो चेयर ऑफ द हाउस है, यानी कि वो जिन चेयर के ऊपर मान लो उप सभापति बैठे हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति बैठा है वहां पे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति उनको अपने स्थानीय भाषा में भी बोलने के लिए कह सकता है। आप बंगला में बोल सकते हो, आप मारवाड़ी में बोल सकते हो, आप अनेक भाषाओं में संसद राज्यसभा में क्या कर सकते हो, अपने भाषणों को दे सकते हो। तो ये हमारे संसद की क्या दोस्तों भाषा आ गई। आज हमने राज्यसभा की पूरी, मैंने आपको बात बताई है कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, उनके अध्यक्ष, उनके सभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में, है ना, मैंने आपको निर्वाचन बता दिया, अवधि बता दी, पदाधिकारी बता दिए, गणपूर्ति कोरम बता दी और भाषा बता दी। राज्यसभा में इतनी बातें हैं, मैंने राज्यसभा के आपको पावर भी बता दी है, सारी चीज हम राज्यसभा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, लोकसभा की। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।